धार्मिक वीडियोस का आनंद लेने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आओ एक बारी जोरदार तालियां दे नाल स्वागत करिए, जोरदार तालियां दे नाल स्वागत जनाब गुरजीत गौतम जलंधरी जी। सारिया भैणा कट्ठिया हुई सच लग रही
जिन्हों जिन्हों सच्ची जोत सच्ची मुची सच लग रही है, जेड़ा जेड़ा अपने अंदर दे सच की भाल करना चाहता है, जेड़ा जेड़ा अपने अंदर दे सच नूं उजागर करना चाहता है, जेड़ा जेड़ा अपने अंदर दे सच नूं महसूस करना चाहता है, जेड़ा अंदर दे सच का सफर तय करना चाहता है, जेड़ा जेड़ा नुआइंदरियां का ज्ञान पाना चाहता है, जेड़ा जेड़ा पंजे घोड़ियां दीआं लगामां लभना चाहता है, जेड़ा 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 अपने आप नूं अंदरों साफ करना चाहता है, जेड़ा जेड़ा नुआइंदरियां का ज्ञान पाना चाहता है, जेड़ा जेड़ा कफन दीआं चारे नुकरां नूं पाक रखना चाहता है, जेड़ा जेड़ा अम्मा दी बाह फड़ के अम्मा नूं अपने अपने घर लैके जाना चाहता है, कह दिओ जय माता। सारी सत संगत को कोटन कोट प्रणाम। आप जी के पैरों च गरीब का सिर है, आप जी के जोड़ियों च गरीब का सिर है, आप जी दी जुतियां च गरीब का सिर है, आप जी का रुतबा बहुत पाक वड्डा ते उच्चा सुचा है, साध संगत का रुतबा सब तो वड्डा मनिया गया है, गरीब आप जी के पैरों नूं हथ ला के नमन करता है, आप जी के जोड़ियों नूं हथ ला के नमन करता है, उहदे नाल नाल बहुत बहुत मुबारक दाती के नवरात्रियां दी, अम्मा राणी के जागरण दीआं, इह साडा सारा अपना परिवार है, मैं अपने परिवार विच आया हूँ, कितने बाहर नहीं आया, आप रल मिल के कीर्तन करिए, समा बहुत हो गया, बहुत बहुत बधाई जगराते दिया नवरात्रे दिया पाक दिहाड़े और साध संगत का रुतबा बहुत पाक से उचा है, जेड़े जेड़े जगराता सुन आए हैं वो गज के कह दियो जय माता, गज के कह दियो जय माता, बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। साध संगत का रुतबा इस करके पाक है, गीता बाणी बाइबल कुरान साधु संत पीर पैगंबर वली नवी सरकार जिन्हों मर्जी मनो जिथे मर्जी जाओ जिन्हों मर्जी त्याओ जिथे मर्जी मत्था टेको, पर एक गल सामने आती है, जेड़ा बंदा सत्संग का वफादार नहीं, जेड़ा बंदा सत्संग च विचरदा नहीं, जेड़ा बंदा सत्संग का सत्कार नहीं करता, जेड़ा बंदा सत्संग नाल मिठी बोली नहीं बोलता, जेड़ा बंदा सत्संग की खिदमत नहीं करता, जेड़ा बंदा बंदे नाल वफादारी नहीं करता, उहदे नाल रब खुदा पीर वफादारी नहीं करता, शेरां वाली मां वफादारी नहीं करता। आओ आप इस गल से विचार करिए, इस सभा के बच्चे दाती मां के पुत्र कई महीनों तो लगे ने जगराता करवा, आप जी भी अद्धी रात के पहर तो बाद तक बैठे, इन्नी देर तक तुहाडा बहना मां का बहना इन्हों का कई महीनों तो सेवा करना, इको ही उपराला है धर्म कहना धर्म सुनना धर्म से चलना, जेडे जगराते च धर्म कहा नहीं जाता धर्म सुनिया नहीं जाता धर्म से चलिया नहीं जाता, उस जगराते का कोई फायदा नहीं, उस चौखड़ का कोई फायदा नहीं। आप जी आए हो, आप जी के बाल बच्चे नाल आए, परिवार तुसी बैठे हो, सुनना सारे जाने, सारे जाने सुनना, आप जी बैठे हो कीर्तन करन आए हो, ते जे कीर्तन कीता ही ना फिर आउण दा फायदा, दर्शन करन आए हैं दर्शन कीते ही ना फिर दर्शन करन दा फायदा, जगराते चले हैं ते जे पहुंचे ही ना फिर तुरन दा फायदा, असी कीर्तन करन आए हैं जे कीता ही ना फिर आउण दा फायदा, ये वक्त रंग और राजा भी बहते सागर का पानी है, इस वक्त की डोरी से बांधे क्या राजा और क्या रानी है, इंसान उसी को कहते हैं जो मोल वक्त का पाएगा, करो कदर वक्त की जग वालो ये वक्त गुजरता जाएगा, ये वक्त गुजरता, ये वक्त राम पर आया था मां का कई से ना बर्दाश्त, ये वक्त राम पर आया था मां का कई सेना बर्दाश्त हुआ, जिन्हें राज तिलक सुबह लगना था 14 साल का उन्हें बनवास हुआ, क्या पता था राजे के बेटे को, क्या पता था राजे के बेटे को कांटों पर चलना पड़ जाएगा, करो कदर वक्त की जग वालों ये वक्त गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता, घड़ी का कोई पता नहीं हजूर की बन जाना, जे असीं आए हां कीर्तन करन समा लाहा लै लेंगे, हुशियारपुर के सारे जीव ऐसे नहीं है जिहड़े जगराते सुन नहीं हो, ऐसे मनुख भी हुशियारपुर सारे नहीं जिन्हें अखां तो नजर आता ही है, तेरे आले दुआले मुहल्ले च आले दुआले मुहल्ले च कोई ना कोई जीव ऐसा जिसको अखों नजर नहीं आता, कोई ऐसा जिहड़ा तंदुरुस्त नहीं है जिहड़ा बीमार ठमार रहता, कोई हस्पताल में पिया है, किसी को रोटी खाण का हुक्म नहीं, किसी को घूमन का हुक्म नहीं, किसी को बोलन का हुक्म नहीं, कोई अखों उन जाए कोई कन तो उन जाए कोई जुबान तो उन जाए कोई लत्ता तो हत्था पैरा तो उन जाए, पर तेनू तंदुरुस्त शरीर दिता, तंदुरुस्त शरीर विच जगराता दिता, जगराते विच सेवा दिती, सेवा विच चौंकड़ा दिता, कन भी तंदुरुस्त है, अखां भी तंदुरुस्त है, जुबान भी तंदुरुस्त है, हाथ भी तंदुरुस्त है, पैर भी तंदुरुस्त है, फिर मंदिर विच जाके गड्डी कोठी कार का लांबा ना दे
तू ये गल क्या करके दातीए आपे ही कमा लवेंगे आपे ही हंडा लवेंगे तू नरोल काया नरोल शरीर दिता है अज मैं मत्था इस करके शुक्र कर रहा वा कि तंदुरुस्त शरीर के तेरी हाजरी भी लग सकती है तेरा कीर्तन भी सुनिया जा सकता तेरी इबादत भी हो सकती है शुक्र करन दे तरीके ते बहुत है ना शुक्र करन दे भी तरीके बहुत है आप विचार करिए सारे जाने हाजरी लगाइए सेवा करिए खिदमत करिए समा बहुत हो गया बहुत समा पहले ही बीत गया आप दादी माता जुड़िए जिहड़े 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 अम्मा नूं मिलण आए आ कह दिओ जय माता बोलो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार एक तो सवाल ऐसे है हजूर जिहड़े कई बारी नौजवान मुंडे मेरे नाल करदे आ मैं कल्ला लैके उदास हो जांदा कई बारी मेरी बड़ी सांझ है वीरां भरावां नाल वो मेरे नाल गल करदे ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਧੂਫ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਰਗੜਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਚਕਾਰੇ ਡਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਗੀਤਾ ਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕੁਰਾਨ ਚਾਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਰੱਬ ਉਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜਾ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਨਾਮ ਜਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੱਲ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਬੜਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਲਵਲੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਜਗੀਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਮਰ ਜਲਵੋਂ ਮੇਂ ਬਸਰ ਹੋ ਉਮਰ ਜਲਵੋਂ ਮੇਂ ਬਸਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬੇ ਗਮ ਕੀ ਸਹਿਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋ ਦਰਦ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਪੇ ਵੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਮਖਮਲੀ ਪਿਛੋਨੋ ਬਸਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋ ਦਰਦ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਪੇ ਵੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਮਖਮਲੀ ਪਿਛੋਨੋ ਬਸਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਗ ਕੋ ਖੇਲ ਪਤੰਗੋ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਾ ਹੈ ਆਗ ਕੋ ਖੇਲ ਪਤੰਗੋ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸਭ
को अंजाम का डर हो, ये जरूरी तो नहीं शेख करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदे में असर हो, ये जरूरी तो नहीं सबकी दाती पे नजर हो, ये जरूरी है मगर सब पे दाती की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मेरे वर्गा बंदा भगवे रंग के कपड़े पाके वड्डा जा टिक्का ला के मत्था टेक रहा, तो तुसी सोचो भगत है जेड़ा बंदा वड्डा टिक्का ला के दोनों हाथ जोड़ के मंदिर च सवेरे शाम मत्था टेकता, की पता मत्था टेक के कही जांदा मान मैनू गड्डी कोठी कार पैसा धन दौलत दी पुत ला दे दे, जेड़ा मत्था टेक के मंदिर च अपने लिए सौदा मंगदा उह दुकानदार हुंदा है, उह दुकानदार हुंदा है, ते जेड़ा मंगदा कुछ भी नहीं बस दाती दीआं सिफतां ही करी जांदा है, उहदे नाल प्यार ही करी जांदा, उहदे नाल मुहब्बत ही करी जांदा, उह सेवादार हुंदा है, उह परखुरदार हुंदा है। विचार करिए इन्हां गल्लां ते, जगराता तुसीं बहुत सोहना सुन लिया, हस लिया, खेड लिया, नच लिया, मेरी जिहड़ी ड्यूटी है हजूर धर्म दा कुंडा खड़काउण दी, गरीब ने ओह खड़काउणा, तुसीं सुनो चाहे ना सुनो मैं अपना फर्ज निभाउणा, क्यों क्योंकि जिद्दण मेरी मौत होनी उहने इक गल पुछणी है बिठा के, तूं धर्म वेच के रुपये कमाउंदा सी, रुपये टुक के चकारे लाउंदा सी, पैसे करके हाजरी लाउंदा सी, तेरे घर दे पीपे च आटा मैं पाया, जगराते च कोई ऐसी गल भी करके आया जिहड़ी धुरदरगाही सुनेहा किसी का पचा दिंदी, किसी की सुरत धुरदरगाही टका दिंदी, किसी नूं सच्चा सौदा उहदे बोझे च पवा दिंदी, कोई ऐसी भी गल कीती मैं अपने करके, मैं लालची बंदा मरन तो बाद मैं जवाब देना, इस करके मैं इदां दीआं गल्लां करदा, एक दो गल मैं मां नाल करना, फिर मैं आप जी की चाकरी आप जी के पैरां च बह के करा, आप जी दीआं जुत्तियां च बह के करा, आप जी दे कदमां च बह के, एक दो गल। धार्मिक वीडियोस का आनंद लेने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। We'll be right back.